हेलो हरजीत सिंह जी बोल रहे हैं जी। अरे मैं देहरादून से डीजी लॉ एंड ऑर्डर बोल रहा हूँ, अशोक कुमार, उत्तराखंड पुलिस। सर हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, आपकी नहीं बहुत, इतने ब्रेव लोग जब रहेंगे तो अच्छा ही लगता है बहुत। आपको कैसा लगा, मैं जानना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा उस टाइम जब इंसिडेंट हुआ, तब कैसा लगा और फिर आपने क्या सोचा? बापे नानक भाई उन्होंने हाथ दे के रखा जी, कृपा उन्होंने होगी सच्चे पातशाह जी। बस एक टाइम तो पेन हुई थोड़ी जी, तो नहीं सर ज्यादा, फिर मैंने खुद से, वो तो हमें पता आपने खुद से हाथ उठाया ना। हाँ पहले खुद से रुमाल निकाल कर हाथ से बांधना चाहा जिससे आदमी को जाता। अच्छा उसे मेरे खुद से बांधा नहीं गया, फिर एक लड़के की हालत भी एक रुमाल उसने बांधा सर, दो स्लोपा था जब पटका। हाँ मैं जानता हूँ। हाँ वो बांधा सर, उसको बांधने के बाद फिर एक और बांधा सर, दो बांधने के बाद थोड़ा ब्लड रुका, फिर मैंने उनको बोला, मेरे को बोलते हैं सर भी आप हॉस्पिटल ले चलते हैं, तो फिर मैंने उनको बोला जी सर पहले मेरा हैंडल आओ भाई चलते हैं हॉस्पिटल। इतने में एक लड़का हैंडल ले आया सर और मैं स्कूटर पे बैठकर। ये आपने क्या ऐसे सपने में भी सोचा था कि ये नालायक इस तरह का काम कर देंगे? सर कोई इल्म नहीं था ऐसा। हाँ मतलब वही तो कह रहा, मतलब एकदम से अचानक हुआ आपके लिए ना। अच्छा मतलब आदमी सोचता है कि सर गाड़ी ना भगाई, जब उन्होंने बैरिकेड के पीछे गाड़ी बाट मारी, बैरिकेड गाड़ी के नीचे फंस गया, पीछे की तो पीछे भी बैरिकेड साथ आ रहा था, आगे करते जबरदस्त होगी गाड़ी की, उन्होंने नीचे उतर कर इससे डर गए या तो मैं हमको पकड़ ना लेंगे और बस हल्ला शुरू कर दिया, भागने भागने की कोशिश थी उनकी। तो फिर आपने, आपको उम्मीद थी पहले दिन से ठीक हो जाएगा या नहीं थी उम्मीद? उम्मीद तो सर थी पूरी, जुड़ जाएगा लेकर चलते हैं। नहीं नहीं बहुत बहादुरी का काम है, आपने पूरी देश की पुलिस का नाम रोशन किया है, ऊंचा किया है, हमें आप पे पूरा नाज है, गर्व है आपके ऊपर। बाकी सर जब मैं अरजिंद्रा से जा रहा था, मेरे एसएसपी साहब सर मनदीप सिंह सिद्धू साहब जी एसएसपी पुछा, ये मैंने बोला एसएसपी लेटा पड़ा जब आ गए थे, मैंने इनको सर एक बात कही थी सर को, क्या सर मेरे पास जी सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास तो सैलरी आई है वो ही यार 10-20 हजार पहले बढ़ा है, पैसे की कमी ना हो जाए। उन्होंने मेरे को शाबाशी दी, हरजीत सिंह भी परवाह नहीं करनी, 10 लाख लगे 400 लगे कितना भी लगे, बहुत अच्छी बात है, जितना मर्जी लगे कर मैं बैठा हूँ, बस उसके बाद मेरे को कोशिश करनी ना सर, ऐसा हौसले से उसके बाद मैं करेगा। बहुत बढ़िया सच्ची बात, सबने एकदम बहुत बढ़िया कर दिया। आपको क्या लग रहा है कितने दिन में वापस ड्यूटी पे पहुंच जाओगे? 4 से 5 दिन सर। अरे वाह, 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, 5-4 दिन बाद फिर से वापस जाएंगे ड्यूटी पे और फिर से अपनी कोरोना वॉरियर बनेंगे, है ना जी सर? यही स्पिरिट चाहिए, यही मनसा चाहिए आदमी की, है ना, यही विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति है, और क्या चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया हरजीत सिंह, हमें तुम पे नाज है और तुम पुलिस की शान हो, बहुत बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। ठीक है सर, का नाम क्या सर? मैं अशोक कुमार हूँ, आपके यहाँ संजीव कालरा है, संजीव कालरा जानते हो? वो मेरा बैचमेट है, जो पीएपी पंजाब आर्म पुलिस का भी एडीजी था, आजकल मुझे आजकल। तो चलो बहुत अच्छा लगा बात करके, और ऐसे ही वापस ड्यूटी पे आने का हौसला, यही तो चाहिए और क्या चाहिए, वापस ड्यूटी पे आओगे तुम सर, जरूर। आप जैसे सर बॉसों जो लक्ष्य देते हैं बात करते हैं, इससे हौसला बढ़ता है सर बहुत। नहीं नहीं वो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत आगे के लिए भी ढेर सारी बधाई, आगे और देश का और पुलिस का नाम ऐसे ही रोशन करोगे आगे भी हमेशा। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. Okay, all the best. Yeah.